तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देख के कोई क्लू नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या किया जाए। एक तो हिंट दिया गया आपको एनसीईआरटी में कि ई की पावर एक्स को टी एज्यूम कर लीजिए। वैसे आपको बताया भी गया होगा है ना, आपके स्कूल में आपके जो भी इंस्ट्रक्टर हैं बताए होंगे। वैसे आप प्रोसीड करिएगा है ना, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम उसका भी सोल्यूशन दे देंगे, उस तरह से भी सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। लेकिन हम मान रहे हैं कि वो एक ऑब्वियस सोल्यूशन होगा। एक दूसरा हम काम करते हैं जुगाड़ से है ना, ई की पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर ई की पावर माइनस एक्स से हम नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ई की पावर माइनस एक्स, तो देखिए क्या हो जाएगा। और ये एडजस्टमेंट क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है, ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स नीचे क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, बेस सेम में पावर ऐड होके जीरो हो जाएगा, ई की पावर जीरो आ जाएगा ना, माइनस एक्स प्लस एक्स। और किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है एक्सेप्ट टू जीरो है ना, तो ये वन हो गया। अब जो नीचे का डेरिवेटिव है ना, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, वन का तो जीरो हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स। और ये क्या आने वाला है आपका, माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का चेन रूल से डिफरेंशिएशन माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस एक्स आ गया। मतलब नीचे अगर आपका एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो ये चीज़ क्या है आपकी, एफ डैश एक्स है। मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, एफ एक्स अपॉन सॉरी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। और इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, मतलब वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिख देते हैं हम लोग, वन माइनस वन बाई ई की पावर एक्स है ना, प्लस सी। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे वन है, क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स और ये होल अपॉन ई की पावर एक्स, तो ये दैट इज योर फाइनल आंसर।